भाइयों से मेरा जोड़ के अनुरोध है, नगड़ा का केस ना ले करो, तुमसे देख ले वाला, क्योंकि आप लोगों से बात करते हो ना, पता लग जाता है नंगड़ कौन सा है और भाई बेचारा जो पीसर क्या कौन सा है, उसका केस ना ले। पहली बात तो उसका अक्सर हो गया, वो फंसे क्यों खावा है, अगले ना खावा। जब भाई तो वो कानून की लो ना, कानून की सहायता क्यों नहीं लेते, अगर किसी ऊपर अत्याचार हो रहा है दो ना दरखास्त यार। हाँ। तक बात है, दरखास्त एक स्टेज के ऊपर नहीं इंटरटेन होती तो आयर अथॉरिटी है, आयर अथॉरिटी अगर नहीं करती तो भाई कोर्ट किस खातर है। ऑनरेबल कोर्ट जो जस्टिस जो बैठे होते हैं, जजेस जो बैठे होते हैं, वो सब जितने भी कानून को आस्था रखते हैं हर नागरिक के लिए समान है। अगर लगता है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी किसी के खिलाफ, तो आपके पास 156(3) सीआरपीसी के तहत इसका सा फाइल करो और सारे इंग्रीडियंट्स डालो इसके अंदर भाई, मिर्च मसाला जो करवाया करो ना सारी चीजें की भी मामी ने कद कद के करे इसने और कड़े कड़े दरखास्त दी। हाँ बोलो, कई बात थाने कानून कुटी बना देते हैं। देखो 500 उंगली इक्वल होती है ना, देखो 500 और वो पहली शुरुआत होती है। आप तक पहुंचने के लिए ना वो पहली शुरुआत होती है, आदमी आधे से ज्यादा वहां टूट जाता है, फिर आपके पास आता है जब जाकर उसको थोड़ा बहुत यकीन हो गया कानून पे, चलो मेरे को इंसान मिलेगा। लेकिन उस कानून में ना कोर्ट के चक्कर काट के, कोर्ट के चक्कर काट के, कोर्ट के चक्कर काट के, या तो वो लड़की सुसाइड कर जाती है या उसका बाप सुसाइड कर जाता है। क्या मैं फिर दोबारा से बात करूंगा आपकी भाई साहब, सबसे बड़ी चीज है कि आशा ना हो भाई साहब, जहां आप नेगेटिविटी से किसी चीज में जाओगे सारा गेम आस्था का। भाई मैं तो सीधी तरीके से मैं माना हूँ भगवान की अनुपराती मानता हूँ, आस्था की आस्था की चीज होती है भाई, लोग पत्थर की पूजते हैं ना, पत्थर में कोई भगवान नहीं होता, वहां आस्था होती है बिल्कुल। और आस्था के बेसिस पे ही उसमें भगवान भी दिखा है और फिर क्या है वो रिजल्ट भी देगा, वो भी क्या है। दूसरी चीज और बताओ, सेम चीज में है, कितना बढ़िया डॉक्टर ले लियो तुम, अगर आस्था नहीं होगी ना डॉक्टर में, सोचा है तो लूटेगा, जो जाते ऑपरेट करेगा लाख लगा देगा भाई साहब, चक्कर करोड़ों रुपए लगा दियो ठीक कौन हो। दूसरी चीज अगर आस्था है, सही बात, वो चाव चुट्टी वाला कर दी ना रात की चुट्टी दे दिया तो उसमें भी क्या हराम लग जाए, क्यों आस्था लगा दी, क्योंकि वो सारा खेल है अपनी सोच का, साइकोलॉजी का, पॉजिटिव साइकोलॉजी। आज पता नहीं तुम्हारे मन में क्या है भाई, मैं तो 100 साल जीऊंगा, मैं 200 साल जीऊंगा, दिहाड़ी 60 की 60-65 गोल बंदे, न तारा पीछा बंदा न तारा खानदान बंदा। यदि तुमने किसी की बेटी को तंग करा, तुमने किसी के परिवार को खत्म किया, तुमने रिश्वत खाई, तुमने दूसरे की रिश्वत का पैसा अपने बच्चों के ऊपर लगाया, तो भाई ये नहीं पता क्या निकलेगा, ये सारा तो दाड़े आना है। अरे मेरी बात सुनो, मैं बताऊं बहुत बहुत, अब भाई साहब एक बात, तो पहले जो भगवान होता था ना उसके ऊपर वही खाते होते थे, और वो जो लिखा करता ना किसी नंबर अनुवागत में देखेगा। हाँ। भाई कंप्यूटर ले बैठा है भगवान है सबका, और नू जब एक एंटर मारेगा ना भाई इसके पाप पूरे, उसका एक सेकंड रिकॉर्ड आओगे, और आज देख लियो तुम पिछले साल के, पिछले 5-10 साल के खा के देख लियो, आप भी आप सामाजिक तो मारते घने गुम्मो हो भाई साहब, होगा बिल्कुल ऐसे। एक व्यक्ति ने हमारे रोजगार के ऊपर आक्रमण किया 4-5 साल पहले, बिल्कुल सतर्क किया गया भाई इसका अंत जो है निश्चित है, 10 दिन पहले की बात है, चालिया हमने कहा ना भाई उड़ बैठे था जरूरत कौन भाई, भगवान हाईटेक हो चुका है, सारा सौदा आपका जो चिट्ठा है ना गलत काम से, जो भी पैसा किसी ने एक्वायर करा है किसी के साथ गलत करा है आड़े आना है बिल्कुल। कानून कचहरी जो है हम सिर्फ क्या चीज है, इसके अदालत से हम न्याय दिला सकते हैं, सिर्फ क्या चीज है न्याय दिला सकते हैं, ऊपर वाली अदालत तक हम कौन बचा सकते, ये सामाजिकता है। तारी बेटी तो रहेगी महिला में, तारी बेटी करेगी मौज, अरे गरीब की बेटी वो मतलब खाओगी तक्के, तुम सोचोगे मतलब उसको नौकरानी बढ़ाओगे, तुम सोचो उसके साथ जलील बन करोगे, तुम क्या क्या करना चाहते हो भाई, ठोक देंगे ठोक देंगे। और सुनो समाज में इन बेटियों के साथ आना पड़ गया ना तो खुद काम में, वकील साहब अहम मजा आया आप किताब भी से बाहर होकर के जब इस चीज में आए, और आपने मारा चलो हमने तो दिखाना था आस्था है, सबकी आस्था है, मैं पहले भी तुम आस्था है, देखो कमाल इस बात का क्या अंत निश्चित है, फिर बैंड बैंड है यह तो सोच है मारी, पता क्या चीज है सारे क्या चीज है, आज इतने चकाचौंध में गुम हो गए, पता नहीं मैं कितने जोड़ लूं के जोड़ लूं क्या कर लूं, लेकिन एक बात बताऊं भाई, जाना खाली हाथ है, जाना खाली हाथ है, और सिर्फ एक ही चीज जाओगी गल्ला है कि वेंडी आदमी था साला नकली मर गया। तो अब चीज है जैसे आप कर रहे हो ना भाई साहब, सच में ही है ना, अगर इतनी आपकी जो इमोशनल देख के मेरी सच में दिल में ये हो रहा कि भाई साहब सुन लो मेरी बात है, दोनों एस्पेक्ट है, ये समाज है ना,
यू दोनों एस्पेक्ट पर चला भाई साहब, कई जगह गलत भी हुआ है और कई जगह इसका मिसयूज भी हुआ है। कई बार है ना छोरी जितनी है आजकल, मैं बताता हूँ जहां तक लड़कियों की बात है भाई, सारी लड़की भी ठीक कौन होती। कई बार क्या चीज है भाई साहब, हमें क्या है कि दोनों साइड को देख के चलना होता है। ये बैलेंस जब यहाँ प्रकृति चल रही है, मर्यादा खत्म हो गई रील बनाओ में। मैं खुद बताने लग रहा इस साल के कॉलेज की है, मैं कई बार देखता हूँ बच्चों की रील बनावांगी वांगी। अरे भाई तुम इज्जत होकर की तारा काम हो नहीं हो, रील रूल तो बनाना नंगड़ा का काम है। हाँ तो की अपने अच्छे कर बचाओ, अपनी सेवा करो। कई बार फोन आओगा, सर आपके बच्चे कौन से पढ़ते हैं, ये को हमने को निकलाने कोर्स भाई। हमने तो सामाजिक ज्ञान देना, पारिवारिक ज्ञान देना और एक अच्छा जीवन बिताना। और भाई इस कोर्ट की तो हम सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों आज इनके साथ हैं और दोबारा फिर इनसे जरूर मिलेंगे, लेकिन भाई आपकी मनपसंद आ गया भाई साहब। हाँ कानून एक अलग चीज है, वकील हमारा प्रोफेशन अलग चीज है, लेकिन मारी भी समाज खातिर कुछ दायित्व होते हैं। हाँ। मामी ने भी क्या चीज है, जो गलत हो रहा होता है ना तब भी मारी भी आंखें, ये जरूरी नहीं है कि भाई हमें सामाजिकता से बढ़ के कुछ चीज नहीं है। आज अगर हम रह रहे हैं ना, ये समाज का ताना बाना है जो मारती आज गया सेफ रखे हुए है। हर जगह पुलिस को ना सकती, हर जगह कानून नहीं आ सकता, आंखें शर्म है ना या हर जगह वह है। इसलिए क्या चीज है भाई साहब, आप लोगों की भी ड्यूटी बढ़ती है, देख समाज का बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ। और आपके जो इमोशंस देख के मेरे सच में लग रहा है कि भाई आप है ना हरियाणा को है ना एक साफ सुथरा समाज देने के अंदर बहुत अच्छा एफर्ट्स कर रहे हो, पहल है बहुत अच्छी। चलो रिगार्ड करता हूँ और सीरियसली मेरे शुरू शुरू में तो आपको भी लावा था भाई साहब, पहल बन सकती है सच में दिल खुश हो गया आपका। और जब भी हो ना भाई साहब, आप लोगों के साथ तन मन धन से खड़े हैं, जिसे भी हाँ टूटे फूटे आप लोग जब भी को तो वकील साहब डरने की जरूरत नहीं है, मैदान में खुल के आ जाओ। यदि बेटियों के साथ कोई नाइंसाफी होती है, बेटियों के साथ कोई गलत होता है, तो खुल के आओ मैदान में, हम आप लोगों के साथ इंसाफ जरूर दिलवाएंगे, ये गारंटी है। इंसान चलेगा। हाँ आप अपना नाम पूरा बता दो, पता बता दो, फोन नंबर बता दो भाई साहब। मेरा नाम एडवोकेट मनोज कुश है, मैं हिसार सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और रही बात आप लोगों से, मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। अगर आप 9 से 10 बजे तक रात तक कॉल करोगे तो कॉल पर अटेंड करूंगा, नहीं तो मैसेज छोड़ देना। जो भी मेरा सामर्थ्य हुआ, जिसा भी हुआ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और भाई वकीलों से भी मेरा अनुरोध है, वकील भाइयों से मेरा जोड़ के अनुरोध है, नगड़ा का केस ना ले करो तुमसे देश ले वाला, क्योंकि आप लोग बात करते हो ना पता लग जाता है नंगड़ कौन सा है और भाई बेचारा जो पी सकता है वो कौन सा है, उसका केस ही ना ले। एक मैं बताना चाहूंगा भाई साहब, ईब कानून ने बहुत सारी हमारे को ऐसी सुविधाएं दे दी हैं। समझौता किसी भी स्टेज के ऊपर जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उसमें कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नाक की सवाल होता है भाई, जो नाक की लड़ाई है, हस्बैंड वाइफ का जो है ना वो एक मिनट में प्यार होता है, अब 2 मिनट में लड़ाई हो गई। बिल्कुल सही बात। और अब क्या है उसको नाक की लड़ाई के बना लिया करते, पहले क्या हुआ अगर दी लेडीज क्या है भाई, थोड़ा टाइम हुआ अगर क्या कॉन्टेक्ट कौन हुआ करता तो वो रिजोल्व हो जाती है, क्या चीज है समझौते हो जाते हैं। कोशिश करो जब बेटी चली जाती है उसको अपने परिवार में डल जाए, मम्मी क्या बनाया, मम्मी ये बनाया, अरे क्यों यार कड़े खड़े हो यार, अपने परिवार को जोड़ो अपने बच्चों को। जब बच्चा हो जाता है घर में वो परिवार में एक संसार बन जाता है, यही आपका संसार है। तो दोस्तों बने रहे मनोज कुश के साथ, फिर एक बार मुलाकात करेंगे, अगली बार मुलाकात किस तरीके से वो देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।